रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थोड़ा जल्दी आइए ना प्लीज। भैया कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, कब? आप पिछले आधे घंटे से 10 ही मिनट किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आइए, 10 मिनट से ऊपर मत लीजिए, बहुत बारिश हो रही है, हम लोग फंसे हुए हैं। अभी मैं कैब स्टैंड पे हूं। हां, अल्फा के सामने वाली बिल्डिंग। ओके, केसर Love you. बात हुई तुम्हारी? अरे बीबी आ जाएगा वो। कब आएगा, कब से बोल रहे हैं यार? मैं कल जो भी हुआ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी ब्रीफिंग मिस नहीं होगी, ठीक है? It's already 12. बाबा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। देख रहे हो ना कितने कॉल आ रहे हैं इन लोगों के? इनको क्या बहाना दूँ मैं? कोई बहाना मारने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट में पहुँच जाएगा और जैसे भी होगा वो। I hope so. केसर क्या हुआ? जस्ट श्योर नहीं है क्या रिलेशनशिप को लेके, मूव इन को लेके? वापस चले जाओ बैंगलोर। कम ऑन, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट यार ये बॉक्सेस, मेरा पास्ट, माय एक्स यार, ध्रुव और मेरे सारे मेमोरीज ने इस घर के हर कोने में बसी हुई है। ये सब just too much to take. हमें ना इस घर में मूव इन करना ही नहीं चाहिए था, हमें कोई और घर देखना चाहिए था, just a stupid idea. इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर छोड़ के तू क्यों कहीं जाएगी? जाना होगा इन मेमोरीज को। I have an idea. जब पास हूँ मैं, बस तेरे साथ हूँ, मेरे हर दिन जो होती शुरुआत तू हो।
टेस्ट इज गुड. थैंक यू. अच्छा एक बात बताओ, ये बेडरूम में बिना दरवाजे का बाथरूम? बिकॉज बेडरूम इज लव एंड लव शुड बी ट्रांसपेरेंट. तो दो लवर्स के बीच में एक दीवार क्यों है? इसीलिए मैंने ये स्पेशली बनवाया था. How romantic is that? अच्छा तो ये प्लान था तेरा कि मेमोरी वाइप करने तो बस कर लो. पहली बात इसे सेक्स नहीं कहते, इसे लव मेकिंग कहते हैं. और दूसरी जो मैं अभी कर रही थी वो मेमोरी तो वाइप कर रही थी ना बेबी. कैसे? कम है. I'll show you. अब ये क्या है? Wait, I'll show you. Okay, let me help you. तो ये है bad memory wall. तेरी लाइफ में कोई भी पर्सन, प्लेस, लोकेशन, सिचुएशन बैड मेमोरी से जुड़ी है तो मुझे बता, मैं उसे गुड मेमोरी में बदल के उस पे अपने प्यार का टैग लगा के इस वॉल पे चिपका दूंगी. और अगर तू ऐसे ही मेमोरी वाइप करती रही तो बेटा मेरे लिस्ट जो है ना वो बहुत लंबी है. मेरा दिल भी बहुत बड़ा है और ये वॉल भी बहुत बड़ी है. हम इस पे चिपका लेंगे. यू वेरी स्टूपिड. आई नो. You're a wild beast, dude. बारिश रुक गई है जॉनिता, क्या बस आने वाली होगी. हो क्या गया था तू इधर अचानक रात को? क्या हो गया था? इतना पैशन, इतना पागलपन. एवरी सेकेंड. हमारा साथ में मूव इन करने का जो आइडिया था वो इतना भी बुरा नहीं था. अब इस घर में ना बहुत सारी गुड मेमोरीज बनाएंगे. आपके इस घर में शिफ्ट होने की खुशी में आपको पेश किया जाता है ये शानदार गेम क्वेश्चन एंड आंसर. नो केसर प्लीज, हम कुछ और खेल सकते हैं? नहीं, इट्स अ फन गेम और हम यही खेलने वाले. फर्स्ट क्वेश्चन, हम पहली बार कहां मिले थे? Ready? Correct. Congratulations. Next question. हमें एक दूसरे के फेवरेट चाइनीज फूड का नाम लिखना है. Ready? Your boring Hunan paneer. Chili prawns. अच्छा अच्छा, मैं गेम को थोड़ा सा फन बना देती हूँ. कभी अपने पार्टनर के साथ करते टाइम किसी और के बारे में सोचा है? What? No, 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 never. Course not. अरे कुछ भी यार, केसर. Oh my God. तुमने pause लिया, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो. Baby, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कितना बकवास गेम है ये. क्विज किस लिए बना है? कपल्स को पास लाने के लिए, उनके बीच में लड़ाई करवाने के लिए? नहीं 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 नहीं, तुम बात को टालो ना. तुमने पॉज लिया, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो. तुम मेरे साथ करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हो? यार दिस इज नॉट फेयर. तुम किसके बारे में सोचते होगे? योर एक्स जानवी? नो 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 नो, आई नो. तुम अपनी वो क्या नाम है, तुम्हारे ऑफिस में क्या नाम है उस बंदी का? अनन्या. तुम अनन्या के बारे में सोचते हो ना? द हेल केसर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मतलब अभी तुम इतनी अंतर्यामी हो गई हो कि किसी बंदे ने हल्का सा पॉज लिया तो तुम फिगर आउट कर सकती हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है. I mean, dude, और मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मूव इन करना ही नहीं चाहिए था. गलती थी हमारी. I can't believe you just said that. यार इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ना कि मैं मजाक कर रही थी. तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना तो नहीं खेलते ना. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है. Thank you.
तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम पहली बार कहाँ मिले थे? क्लब नास्टी बैंगलोर। या ध्रुव से झगड़ा करके मैं बैंगलोर गई थी किसी काम से। I met you. Oh. And I met the love of my life. Okay. So second question is. Hey, wait a minute. सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। मुझे भी देखना है कि तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। Try me, baby. मेरा फेवरेट चाइनीज फूड क्या है? चिली प्रॉन्स। ए, मुझे इतने कम टाइम में इतने अच्छे से जानने के लिए थैंक यू। एक रिलेशनशिप में मुझे जो कुछ भी चाहिए था, यू गेव मी एवरीथिंग। So bad memory wipe hui? Of course. Okay then. Ready? Yeah. I hate Chinese, but I love you, and I love you too. We are okay, right? यार कितना लेट हो रहा है, कब आएगा कैब वाला? यार और कोई कैब क्यों नहीं शो हो रही है? समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। गॉड। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ आप आ रहे हैं ना? आई नो प्रॉब्लम है, प्लीज आ जाइए। ठीक है, ओके, आ रहा है। बैठ जा आराम नाल। आप भी बैठ जाओ। आ गया तेरे पुत्र दफ्तर। हाँ कुलदीप पुत्र, सत श्री अकाल पुत्र, क्या हाल ने तेरे? नहीं 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 बेटा, असी नहीं आ रहे, बड़ी मुश्किल नाल तुहानू दोनों नू छुट्टी मिलती है, किसी चंगे जे रिसोर्ट जाके इंजॉय करो। क्यों असी बुढ़ा बुढ़ी नू उथे बुला के अपनी प्राइवेसी खत्म करना चाहते हो? समझने की कोशिश करो केसर। अच्छा सुनना, प्लीज मेरी बात सुनो केसर। तुमने अपना लिप बाम रखा, एक मुझे पता है तेरे को उसके बिना नींद नहीं आती। केसर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा ऐसे बिना अनाउंसमेंट के यहाँ पे आ जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा ही घर छोड़ के अपने फ्रेंड्स के यहाँ रहने के लिए जाना पड़ेगा। यू नो तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो टॉप पास कर मुझे। केसर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि मैं जब अपने मम्मी पापा से तुम्हें मिला सकती तो तुम अपने मॉम डैड से मुझे क्यों नहीं मिला सकते? आर यू सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप? केसर मैं सीरियस हूं रिलेशनशिप के लिए और अपने मॉम डैड को बताने वाला हूं, लेकिन Honestly speaking, मैं मुझे एक बात का डर है। डर किस बात का? We bloody moved in together, यार। Problem यही है केसर कि हम जब से एक साथ move in हुए हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमारा झगड़ा ना हुआ, जिस दिन हमारा argument नहीं हुआ है। Argument? Listen, Dhruv, जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे इस relationship के बारे में clarity चाहिए। मैं दूंगा clarity, लेकिन मेरी बात तो समझने की कोशिश कर केसर। सर अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कैब लेके आ जाता हूँ फटाफट से। मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी तुझे तो मेरे सामान छुपाना है ना। केसर आई नो कि तेरी जगह कोई और गर्लफ्रेंड होती ना तो ये सब नहीं करती, ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार मम्मी पापा। ध्रुव कभी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच कर देख, मुझे भी मिलना था तेरे मम्मी पापा से। केसर I'm Kesar. Hi. यार बहू तो सच में बहुत हॉट है। Mom, stop it. It's okay. Absolutely fine. अरे तुम हो? इतने बूढ़े नहीं हो। अच्छा पैरी पौना हो गया हो तो
तारो शुरू करे प्लीज 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 डोंट वरी जजमेंट का बिल्कुल नहीं हूं मैं कोई वृद्ध आश्रम जाने वाली सास बिल्कुल नहीं हूँ आजकल की मॉडर्न सास क्लब जाने वाली मुझे पता है तुम दोनों लिव इन में हो और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो सच कहूं सोसाइटी की बिना कोई परवाह किए इसी तरह हाथों में हाथ डालकर जिंदगी भर साथ देना प्रॉमिस प्रॉमिस क्योंकि सास और बहू थे टल्ली एंड आई लव योर मॉम एंड आई लव यू क्या करी अरे क्या करी क्या कर रही हो तुम ये पागल हो गई हो क्या आई स्वेयर टू गॉड केसर ये लड़की नशे में है ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है इनफैक्ट मैं तेरे पास आने वाला था कुछ बोलो ना उसको वो खड़ी है सामने मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ अरे कहाँ बाहर मिलती हूँ सर मैं सच कह रहा हूँ वो लड़की मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी प्रूव कर सकता है क्या कि तू नहीं वो लड़की तुझ पे जबरदस्ती कर रही थी रियली केसर तुझे क्या लगता कि मैं इतना डेस्पेरेट हूं कि अपने घर में किसी और लड़की के साथ तेरा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना वो कोई मतलब नहीं हम दोनों का साथ में रहने का व्हाई आर यू सो जेलस आई एम नॉट जेलस आई एम पजेसिव बिकॉज़ आई लव यू कम ऑन केसर मैंने क्या बोला मैंने बोला बस प्रूव करने के लिए तू हमेशा इतना ओवरएक्ट क्यों करता है दिस इज नॉट पजेसिवनेस दिस इज टॉर्चर अंडरस्टैंड लीविंग How are you? Good. Welcome. Thank God तू आ गया यार. पता है मेरे को एक फाइल देने के लिए ऑफिस जाना पड़ता. No problem आ गया यार. It's okay. मैं HR से बात करके ना तुम्हें paid leave दिला दूँगा. Thank God. तू दो मिनट बैठ. मैं एक मिनट में आई. Excellent. Roshan. No way. He likes you. वो Bangalore में मेरे साथ काम करता था यार ऑफिस में. मुझे पता है ना बैंगलोर से तेरे वजह से यहाँ पे आया He likes you. ऐसा क्यों लग रहा है अच्छा तुझे पता है ना ध्रुव के साथ मुझे मेरी इसी चक्कर में ना झगड़ा होता था तू भी वही काम कर रही है And you know I get jealous. It's not jealous, baby. It's possessiveness. तू चल मेरे साथ अच्छा लेके जा रही मुझे रोशन मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि तू मुझे लाइक करता है सो आज से तू मेरा भाई और कहाँ गई कुछ तो था मेरी पॉकेट में आई गॉट इट चल हाथ आगे कर ओके यही नहीं दुनिया के सारे मर्द मेरे भाई ओके तुझे छोड़ के दुनिया की सारी औरतें मेरी बहन खुश अब इस मोमेंट को मेरे भाई के साथ कैप्चर कर लेते हैं गुड मैम कम है मना है हंसा दिया तुमने इस बेचारे क्या है तेरे भाई का नाम रोशन को <laughs>
Thank you for creating such good memories. I love you. Love you too. चलो जी गड्डी आ गई। हाँ ये भी पकड़ लो। यार एक बार और कॉल करो ना ड्राइवर को, हम सुपर लेट ना हो। कॉल पे कॉल आ रहे हैं इन लोगों के। ऑल द कैब्स आर डिलेड, यू नो कुछ ड्राइवर्स का पंगा हुआ है एयरपोर्ट के पास। रियली? या यार थैंक्स बाय द वे। यू आर वेलकम। उसी वाली लड़की की स्किन देख कितनी अमेजिंग है। दीदी का सुनना यार। अच्छा सुन सुन सुन, ये देख मम्मी ने तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए। अरे तेरा गुस्सा मुझ पर है ना, इन पराठों की क्या गलती? तू मुझे एक बार फाइनल बता कि तू श्रेया के बर्थडे पार्टी पे जा रहा है कि नहीं। यार मैंने उसे हाँ बोल दिया है। तो ये पराठे भी जाके उसी को खिला देना। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार श्रेया के साथ? I don't get it. उसने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया था। अब तो या तो तू जाके उसके बर्थडे पार्टी में रह या तो मेरे साथ रह। युविका यार एक बर्थडे, it's not a big deal. Excuse me, birthdays are not a big deal for you, right? Happy birthday to me. Happy birthday, dear Kesar. Kiss. Baby. I'm sorry. वो ऑफिस में ना इतना काम था कि मैं बर्थडे भूल गया। I know. मुझे पता है तू बर्थडे भूल गया, इसलिए तो मैंने सारे डेकोरेशन तेरे बिहाफ पे किया है। फ्रिज में तेरे लिए ना बियर रखे जा, ले क्या बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक घंटा बचा है मेरे बर्थडे का, एक घंटा। बेबी केसर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे केसर। ये ध्रुव तो समझ नहीं रहा है, इस बर्थडे में ना हैप्पी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में कुछ हैप्पी नहीं है। कल 12 बजे से मैं इंतजार कर रही थी, साहब जोश करेंगे, लेकिन नहीं साहब तो इंस्टाग्राम पे नंगी लड़कियों के फोटोज लाइक कर। कोई बात नहीं, मुझे लगा सुबह विश करेगा, लेकिन नहीं सुबह तो साहब निकल दी ऑफिस के लिए हर रोज की तरह। मैं देखती रही दरवाजे की तरफ कि सब आप आएंगे, मुझे विश करेंगे, फूल देंगे। यार घंटी बजी थी, दूध वाला आया था, उस ने दूध वाले ने मुझे तुझसे पहले विश किया। यू नो व्हाट ध्रुव, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्टेड माय टाइम, माय लाइफ, माय बर्थडे, एवरीथिंग। आई थॉट कि जब तू इस घर पे आएगा ना हम गुड मेमोरीज क्रिएट करेंगे, बट यू हैव क्रिएटेड ओनली बैड मेमोरीज। शट, लेट मी फिनिश। ठीक है गलती हो गई मुझसे, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। गलती? मेरा बर्थडे था, भूल गया? यार होली पे झगड़ा, हाँ दिवाली पे झगड़ा, यार एनिवर्सरी तक पे तूने झगड़ा किया। यार हम लोग ना बेटर ऑफ है ही नहीं, वर्स्ट ऑफ है। तू निकल यहां से यार। यू नो व्हाट, जो नॉट बिकॉज़ ऑफ यू ना मैं अपना बर्थडे रुइन नहीं करूंगी।
You know what? I want to dance. Let's play some music. What is this? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kesar. Happy birthday to you. Thank you very much. But my birthday is a week later. तुझे हम लड़कियों का प्रेम पता तो है. Like birthday के लिए कितना खास होता है. आज से हम तेरा birthday पूरे हफ्ते बनाएंगे. You're crazy, huh? So birthday है तो birthday gift तो बनता है, right? Yes. Okay. No way. Yeah. हम बाली जा रहे हैं. Yes. For 7 days. But office? Office की मैंने छुट्टी ले ली है. वो भी 7 days की. Yay, it's my birthday. I love you. I love you too. Okay, so birthday picture तो बनती है, right? Yes. Birthday memory? Best birthday ever. Best birthday ever. I love you, Ali. I hate you. अब हमारा साथ में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है. मैं कितनी बार सॉरी बोलूं केसर, प्लीज यार. एक गलती तो किसी से भी हो जाती है. एक गलती? You have everything in my life. यार हर रिलेशनशिप में ना झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे झगड़े के बीच बीच में थोड़ी सी रिलेशनशिप बची है. बहुत हो गया ध्रुव, मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए. बहुत खेल लिया घर घर, बंद करो ये मेमोरी का खेल. प्लीज प्लीज केसर, देख देख हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे. विल वर्क आउट दिस टुगेदर. ओके, तू बस एक बार बैंगलोर से वापस आ जा. आई विल मेक इट अप टू यू. तुम्हें याद है तुम जब पहली बार बैंगलोर आई थी? Fell in love, true love. 7 दिन में मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर गई थी. और तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट दिया था? हाँ, जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा ना हो, मतलब दोनों में से कोई एक झूठ जरूर बोल रहा है. Maybe we love each other a little too much. तभी हम लोगों के बीच में इतने झगड़े होते हैं. I'm so sorry, केसर. मैंने तेरे बहुत सारे डेज खराब कर दिए केसर. एक आखिरी चांस दे दे यार. मैंने birthdays, anniversaries, first hug, first kiss, सारी डेट्स याद कर ली. अपने मम्मी पापा को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया केसर. और मैं तेरे अलावा किसी और के पास भी नहीं जाऊंगा. और अंडीज को वापस से रिपीट करना, that is not a question now.
ये सर बाक्षी, विल यू प्लीज रुइन माई लाइफ, आई मीन विल यू मैरी मी? I really want to, but I can't. What do you mean? तू हमेशा की तरह लेट हो गया ध्रुव. I met someone in Bangalore. और हम साथ में मूव इन कर रहे हैं. Marry me? No. Alia, will you spend your whole life with me? इस पल के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया और finally it's here. Okay. Just a friend. Friend? Think I'm fool? Huh? I can explain. Explain what? I'm sorry. Get out. I'm sorry. You. Please get out. Okay, sir, I'm so sorry. मुझे एक मौका दो दो के सर. क्या आ गई है? Please यार, please don't go. Please. एक चांस दे दे. I'm sorry. I'm really sorry. No, Alia, no. Alia, you know, जब दो लोग एक relationship में होते हैं ना, और उनके बीच किसी भी चीज के लिए लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब कोई एक झूठ बोल रहा है. And I was too blind to see that. तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो और हमारे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं. प्लीज डोंट गो. प्लीज यार केसर. तुम जानते हो इस लड़की को? नो. पिक कैब भी आ गई. So, can I expect a call from you? No. Thanks for being honest.